प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सितंबर तक रहेगी जारी वज़र आजम की ज़े सदारत हुए काबीना के अजलास में फ़ैसला अगले छः माह के लिए फ़ी शख्स पाँच किलो राशन मुफ्त दस्तियाब होगा अस्सी करोड़ लोग उठा सकेंगे इसका फ़ायदा स्कीम इकतीस मार्च को हो रही थी खत्म वजीर अजम नरेंद्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे ऑल इंडिया रेडियो के साथ मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्याल करेंगे मुश्तरक ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर किया जाएगा नश्र वजीरम करेंगे मन की बात भारत मालदीप के मबिन कई रूसी यूरोप रूसी तोानाई पर इसार न करें सु... भारत और मालदीव के माबेन कई माहिदों पर दस्तखत और उसके अलावा अमरीकी सदर जो बाइडन पोलैंड के दौरे पर और खेल की खबरों में भारत का दबदबा कायम भारत के कई खिलाड़ियों ने फाइनल में बनाई अपनी जगह आईपीएल में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान खेला जाएगा एक मुकाबला और दूसरा मुकाबला किंग्स एलेवन पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर के दरमियान नाजिन ना आदाब उर्दू खबरनामे में आपका खैर मक़दम है मैं हूँ आपके साथ मसरूर फैजी और आइए अब ख़बरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं समाज के गरीब और कमज़ोर तबकों को जहन में रखते हुए मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मजीद छः माह के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है इससे गरीबों और कमज़ोरों को फ़ायदा होगा इसके तहत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के दायरे कार में आने वाले तमाम मुस्फीन को बरह रास्त फ़ायदा की मुंतली समेत हर माह फीस शख्स पाँच किलो अनाज मुफ्त मिलना मिलता रहेगा पी एम जे के ए वाई के तहत तकरीबन तीन आशारिया चार लाख करोड़ रुपए का माली खर्च और एक हज़ार मैट्रिक टन से ज़्यादा मुफ्त अनाज फराहम किया गया है पी एम जे के ए वाई का पाँचवा मरहला मार्च में खत्म हो रहा था दुनिया के सबसे बड़े फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल दो हज़ार बीस से चलाई गई थी इस स्कीम के तहत हुकूमत हिंद की तरफ से मुकम्मल तौर पर मालियानत फरहम की गई है मुल्क भर में तकरीबन अस्सी करोड़ मुस्तफीन को फायदा मिल रहा है वजीर अजम नरेंद्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे ऑल इंडिया रेडियो से अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्याल मुश्तरक करेंगे इसे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर टेलीकास्ट किया जाएगा ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी दस्तियाब होगा ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन समाचार वजी अज़म के दफ्तर और इतलात व नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनल्स पर भी बरह रास्त नशर किया जाएगा ऑल इंडिया रेडियो से हिंदी टेलीकास्ट के बाद जल्द ही प्रोग्राम मन की बात इलाकई ज़बानों में भी नशर किया जाएगा इलाकई जबानों में रात आठ बजे दोबारा इसे सुना जा सकता है वजीर खारजा एस जयशंकर मालदीप के दो रोज़ा दौरे पर आज मालदीप के साथ इब्राहिम मोहम्मद साले से मुलाकात करेंगे कबल अजी माले पहुँचने पर उनका इस्कबाल उनके हम मनसब वजी खारजा अब्दुल्ला शाहिद ने किया वजीर खारजा ने कहा है कि भारत और मालदीप के दरमियान शराकत दारी मज़ीद मजबूती की जानब ग है एक मुशतरक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमारे मजबूत ताल्लुक दोनों ममालिक के लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क लाने के लिए पाबंद हैं डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हम तरक्की के अमल में शरात दार हैं और हमनो सलामती की तरफ बढ़ रहे हैं भारत और मालदीव के दरमियान बाहमी ताउन के हवाले से कई माहदों पर दस्तखत हुए हैं भारत और मालदीप ने एक दूसरे के जरिए जारी करदा कोविड नाइन्टीन वैक्सीन सर्टिफिकेशन को बाहमी तौर पर तस्लीम करने पर इतफाक़ किया है एक ऐसा इकदाम है जो दोनों ममालिक के दरमियान सफर को आसान बनाएगा और सियात के शोबे को फ़रोग देगा जयशंकर और मालदीप के उनके हम मनसब अब्दुल्ला शाहिद ने हायर एजुकेशन नेटवर्क और नेशनल नॉलेज नेटवर्क के दरमियान रबते का आगाज़ किया जयशंकर और उनके मालदीप के हम मनब अब्दुल्ला शाहिद ने तस्लीम किया है कि सलाहियत साजी और तरबियत के शोबों में पेशरफ्त हुई है दोनों ममालिक ने भारत के नेशनल नॉलेज नेटवर्क

Uh, na National Knowledge Network, uh, and with the signing of the peering agreement today, over 1,500 Indian institutes and a host of universities and centers of learning from Singapore, Europe, and the United States are now connected uh, to the Maldives. Uh, the NKN is a real expression of the best of our regional cooperation in the digital and education uh, areas. इस दौरान मालदीप के वजीर खारजा ने कोविड वबा के दौरान भारत की तरफ से फराहम करदा इमदाद के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया। कियाबिल जिक्र है कि वजी खारजा मालदीप और श्रीलंका के पांच रोजा सरकारी दौरे पर हैं मंगल को कोलंबो में बिम्स्टिक वजारते इजलास में शिरकत करेंगे और अगली ख़बर पर नज़र डालते हैं सदर जमूरिया रामनाथ कोविंद उत्तराखंड के दो रोज़ा दौरे पर हैं सदर जमहूर आज हरिद्वार में दिव्या प्रेम सेवा मिशन की सिल्वर जुबली की इख्तामी तकरीब से ख़िताब करेंगे इसे कबल देहरादून हवाई अड्डे पर उत्तराखंड के गवर्नर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और वजीर का इस्तबाल किया मरकजी वजी दाखिला अमित शाह आज चंडीगढ़ का दौरा करेंगे जहां वो कई मंसूबों का अफ्ताह और संगी बुनियाद रखेंगे अमित शाह साठ करोड़ रुपए की लागत से तमीर सी एच बी की नई इमारत सेक्टर सत्रह में एक सौ निन्यानवे करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सत्तर करोड़ रुपए की लागत से तामीर तीन सौ छत्तीस पुलिस हाउस का प्रोजेक्ट सत्रह करोड़ की लागत से सभी गाँव को शहर की तर्ज पर नहरी पानी करने का सेक्टर 50 के कॉमर्स कॉलेज में 15 करोड़ की लागत से तैयार हॉस्टल ब्लॉक 20 करोड़ की लागत से तैयार दो गवर्नमेंट स्कूल, सेक्टर 17 में 10 करोड़ की लागत से तैयार अर्बन पार्क का इफ्तिताह करेंगे इसके अलावा शाह दो घरों के पुलिस हाउसिंग प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखेंगे ये मनसूबा 40 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा और मुल्क में बैन अवी परवाज़ों की आमदरफ़त आज रात बारह बजे से दोबारा शुरू हो गई है तकरीबन दो साल के वकफे के बाद बाकायदा बैन अवी परवाज़ें चलना शुरू हुई हैं शहरी हवाबाजी की वजारत ने मार्च दो हज़ार बीस में कोविड नाइन्टीन वबाई अमराज की वजह से बाकायदा बैनवा परवाज़ें रोक दी थी सफ़र के दौरान वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाएगा इसी वक्त एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया ने कहा है कि बैन अलावा परवाजों से मुतलिक मौजूदा कोविड रहनुमा खतूत में तरमीम की गई है नजर षानी शुदा रहनुमा खतूत के मुताबिक परवाजों में तीन सीटें खाली रखने की पाबंदी हटा दी गई है अमले के अरकान के लिए पी पी ई किट की ज़रूरत भी खत्म कर दी गई है हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी अहलकारों की तरफ से तजवीज़ करदा पेड डाउन चेक दोबारा शुरू कर दिया गया है हवाई अड्डों या हवाई जहाज पर मास्क पहनने की लाजमी शर्त जारी रहेगी कबलजी शहरीब आबाजी की वजारत ने कहा था कि हुकूमत ने आलमी सतह पर वैक्सीनेशन और मुख्तलिटेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद तजारती बनवा खदम को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है और अगली खबर पर नज़र डालते हैं मुल्कर सतह पर जारी वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक एक सौ तिरासी करोड़ सोलह लाख से ज़्यादा कोविड मुखालिफ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं वजारत सेहत के मुताबिक कल छब्बीस लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गईं अब तक 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को एक करोड़ बीस लाख से ज्याद वैक्सीन दी जा चुकी हैं वजारत ने कहा है कि अब तक दो करोड़ पच्चीस लाख से ज़्यादा एहतियाती वैक्सीन सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों लाइन वर्कर्स और 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को लगाई जा चुकी हैं अब तक पाँच करोड़ अड़सठ लाख से ज्यादा वैक्सीन पंद्रह से अठारह साल की उम्र के अफराद को पहली खुराक के तौर पर दी जा चुकी है जबकि तीन करोड़ इकहत्तर लाख से वैक्सीन दूसरी खुराक की सूरत में दी जा चुकी हैं। इतलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर दुबई एक्सपो में इंडियन पवेलियन पहुंचे मरकजी वजीर ने भारतीय आवाम के साथ साथ वहां के फनकारों और कारीगरों से भी मुलाकात की दुबई एक्सपो 2020 में भारत समेत एक सौ बानवे से ज्यादा मामालिक के पवेलियन बनाए गए हैं छः मातवील दुबई एक्सपो 31 एक मार्च को अख्ताम पजीर होगी और इतलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर दुबई के दौरे पर हैं मरकजी वज़ी आज दुबई फिल्म एंड टेलीविज़न कमीशन और दुबई डेवलपमेंट अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के रुकन जमालशरीफ़ से मुलाकात करेंगे मरकजी वजीर शाम को बैन अवी पवेलियन का दौरा करेंगे उसके साथ ही स्किल इंडिया इंटरनेशनल का दुबई में आगाज़ करेंगे दुबई एक्सपो में भारतीय पवेलियन पहुंचे इतलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर से हमारी नुमाइंदा मुनमुन भट्टाचार्या ने खास बातचीत की हमारे साथ है सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी जो दुबई में हैं और दुबई एक्सपो 2020 में हम जानते हैं कि मंत्रालय है, मीडिया और एंटरटेनमेंट फोर्ट चला रहा है उसके बारे में बात करते हैं मिनिस्टर साहब स्वागत है धन्यवाद आपने पूरा इंडिया पवेलियन देखा क्या इंप्रेशन हैं आपके जब भारत की बात आती है तो एक तरफी ही हो जाती है लेकिन जब इंडिया पवेलियन देखते हो तो दिल गदगद उठा क्योंकि जब आप इंडिया पवीलियन के अंदर आते हो पहले तो बाहर एक लंबी कतार लगी हुई दिखती है जहां सैकड़ों लोग इंडिया पवीलियन के अंदर आना चाहते हैं यह अपने आप में दिखाते हैं कि कितने उत्सुक लोग हैं इंडिया पवीलियन को देखने के लिए और जब आप भीतर आते हैं तो देखते हैं योग से आयुर्वेद कॉस्मिक वर्ल्ड से लेकर आपके सिनेमा वर्ल्ड ये सब कुछ वहाँ पर ऑफर किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लेकर टूरिज्म इंडस्ट्री की बात की जाए स्टार्टअप से लेके आईटी इंडस्ट्री की बात की जाए मुझे लगता है न्यू इंडिया वाइब्रेंट इंडिया ये सब स्वरूप वहाँ पर देखने को मिले और जो कल्चरल हेरिटेज हमारी है उसका भी बहुत सुंदर स्वरूप उसके अंदर देखने को मिलता है शायद यही कारण है कि जब मैं भीड़ में खड़े कुछ लोगों से बात कर रहा था कि क्या आप पहली बार आए हैं तो कुछ लोगों ने कहा कि वो अपने परिवार के साथ तीसरी बार कोई दूसरी बार इसको देखने आया है तो इससे पता चलता है कि भारत ने इस पवेलियन में कुछ ना कुछ नया दिखाने का प्रयास किया है जैसे ये दो हफ्ते हमने मीडिया एंटरटेनमेंट को समर्पित किए हैं यानी कि वो इंडस्ट्री जिसने भारत की सॉफ्ट पावर को दुनिया भर में पहुंचाने का काम किया जो भारत स्टोरी टेलिंग के नाम से जाना जाता है देश के रूप में और जो हमारा सिनेमा जगत है उसने भारत के कल्चर को भारत की संस्कृति को भारत में जो कुछ होता है उसको दुनिया तक पहुँचाने का एक बहुत बड़ा काम किया है और आज व्यापार का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारा मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बना है और उसमें भी देखा जाए तो ए सेक्टर जो एनिमेशन विजुअल ग्राफिक्स और गेमिंग कॉमिक्स की हम बात करते हैं इसमें इंडिया का जो टैलेंट पूल है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर खड़ा करता है दुनिया को भारत के साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत कुछ ऑफर उसमें करता है तो मुझे विश्वास है कि जब इस पवेलियन के आने से और हमारा मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर का जो यहाँ पर पवेलियन बना है वहाँ पर बहुत सारे लोग बिजनेस टू तो बिज़नेस कम्युनिटी आपस में इंगेज करेगी लोग जब हमारे इतिहास को देखेंगे कि हमने कितना काम इस पर किया है तो उससे और उनका रुचि भारत और भारतीय सिनेमा और इस जगत में मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और बढ़ती है आपकी काफ़ी मीटिंग्स होंगी दुबई में क्योंकि ये मीडिया एंड एंटरटेनमेंट फोर्ट चल रहा है क्या अपेक्षाएँ आप आपकी मैं बहुत अपेक्षाएँ लेकर नहीं चलता हूँ लेकिन उत्सुक बहुत हूँ क्योंकि जो पहले दिन की शुरुआत हुई है बहुत पॉजिटिविटी है सकारात्मक एक वातावरण देखने को मिला और मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आज जो आते ही जहाज़ से उतरने के बाद पहले चार घंटे निकले हैं बहुत शानदार निकले हैं और अभी शाम तक की जो बाक़ी मीटिंग्स हैं उसमें बहुत कुछ देख रहा हूं कि भारत के लिए बहुत सारे अवसर यहां पर होंगे भारत और यूएई के बीच में काम करने के और मैं तो नहीं कहता कि केवल यू तक हमें अपने आप को सीमित रखना है यहाँ दुनिया भर के देशों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और भारत का ये पविलियन जो है एक बड़ा केंद्र बना है जहाँ पर लोग आना चाहते हैं और पंद्रह लाख से ज़्यादा लोग अब तक यहाँ पर आ चुके हैं और आपने स्वयं देखा एक लंबी कतार भीड़ यहाँ पर आज फिर इसको देखने आई है तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहने वाला है शुक्रिया मंत्री जी हमसे बात करने के लिए तो ये थे अनुराग सिंह ठाकुर जी जो बातचीत कर रहे थे दूरदर्शन न्यूज से कैमरामैन राजेश रेखी के साथ मैं मुन्मन भट्टाचार्य दुबई से दूरदर्शन न्यूज के लिए और अगली खबर पे आइए नजर डालते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा भवानी की 36 खुवान जवानों ने एम्पावरमेंट राइट 2022 मुहिम के तहत मुल्क भर में ख्वातन को बाख्तियार बनाने का पैगाम दिया है आठ मार्च यानी योम खुवात को दिल्ली के इंडिया गेट से शुरू होने वाली ये मुहिम कन्याकुमारी में ख़त्म हुई बीएसएफ सीमा भवानी की खातन जवानों ने दिल्ली से कन्याकुमारी तक का तिरपन किलोमीटर का सफ़र रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिलों पर मुकम्मल किया ताकि लड़कियों और खातन में कौम की तमीर के लिए अपनी आने वाली कोशिशों के बारे में बेदारी पैदा की जा सके और बीएसएफ में शमूलियत इख्तियार करने वाली खातून के लिए तहरीक दी जा सके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सैयद अहमद खान की आज बरसी है आज ही के दिन 27 मार्च अठारह में सर सैयद अहमद खान ने 80 वर्ष की उम्र में इस दारे फानी को अलविदा कह दिया था इस मौके पर आज पूरी दुनिया इस दूसरा देश मुफ़िर और मुसलह मिल्लत को अपना खराज अकीदत पेश कर रही है यूनिवर्सिटी के अलावा दुनिया भर में अलीग बरदरान अभी अपने अलग अलग अंदाज में मरहूम सर सैद को अपना खराज अकीदत पेश कर रहे हैं बिलाशुबा अपने ज़माने की एक इनकलाब आफनी शख्सियत का नाम सरसैद अहमद खान है जिसने समाज के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर अनमिट असरात मुरतब किए और ये कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि जिन शख्सियतों ने मुसलमानों को सबसे ज़्यादा मुतासर किया है उनमें सर सैद का नाम सर फ़हरिस्त है सर सैद की शख्सियत के इसी तिलस्म, तिलस्म की वजह से उनके गर्द हर फन और इल्म दानश के मशाहर जमा हो गए थे उनमें शुरा अदबा मुद्किन फलसफ़ीमाइदीन मुफसरीन कुरान माहरीन तलीम और कानूनदा सब शामिल थे और ये तमाम बड़ी शख्सियात सर सैद को अपना रहबर तस्लीम करती थीं मशहूर आलमदीन शबली सर सैद अहमद के बारे में कहते हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी का कोई हिस्सा इलमी या तलीमी करार पा सकता है तो उसका आगाज़ इस कॉलेज की बदौलत है और आर्मी खबरों पर नज़र डालते हैं अमरीकी सदर जो बाइडन ने पोलैंड में यूक्रेनी पनाह गुजनों से मुलाकात के बाद यूक्रेन के आवाम की हिमायत का मुतालबा किया है जो बाइडन ने रूस को मुतनवे किया है कि वो नेटो की सरजमीन में एक इंच भी आगे ना बढ़े बाइडन ने यह भी कहा है कि ये जंग पहले ही रूस के लिए एक स्ट्रेटेजिक नाकामी है उन्होंने कहा कि यूक्रेन की फ़ौज ने रूसी हमले का बहादुरी से जवाब दिया है बाइडन ने यह भी कहा है कि यूरोप को रूसी ईंधन पर इन्हसार कम करना चाहिए और इस अमल में अमेरिका की मदद करेगा रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाजा के दरमियान यूक्रेन ने कुछ सैटेलाइट तस्वीर जारी किए की हैं कीफ्ट में बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान इन तस्वीर में नजर आ रहे हैं तस्वीर में क्लियोनिका में ईंधन जखीरा करने वाले डिपो में आग के शोले देखे जा सकते हैं दरिया अर्पण के करीब जलती हुई इमारतें भी दिखाई दे रही हैं। अरबन जुजवी तौर पर रूसी फौज के कंट्रोल में है और यहां यूक्रेनी शहरियों के फरार होने का सिलसिला जारी है यूक्रेन के सदर व्लादिमिर जेलेंस्की ने मगरब से मुतालबा किया है कि वो रूस के साथ जारी तनाजा के दरमियान फौजी हार्डवेयर दोबारा फराहम करे कई ममालिक ने यूक्रेन को एंटी आर्मर और तैयारा शिकन मिसाइलों के साथ साथ छोटे हथियारों का वादा किया है जबकि जिलेंसकी का कहना है कि यूक्रेन को टैंक बहरी जहाज और एंटीशिप सिस्टम की जरूरत है दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाही खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है कोरोना वायरस के केसेस अब भी बढ़ रहे हैं अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 48 करोड़ तिरासी लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं वहीं इकसठ लाख पैंतालीस हज़ार अफराद कोरोना इन्फेक्शन की वजह से हलाक हो चुके हैं अमेरिका में कोरोना इन्फेक्शन के का सबसे ज़्यादा तबाही अब भी जारी है अमेरिका में अब तक कोरोना के आठ अशारिया सोलह मिलियन से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं अमेरिका में अब तक दस लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं वहीं यूरोपीय ममालिक भी कोरोना इन्फेक्शन के नजर नहीं आ रहा है यूरोपीय ममालिक में भी फ्रांस में सबसे ज्यादा दो करोड़ उनचास लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं जबकि बरतानिया में भी कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद दो करोड़ छब्बीस लाख से तजावज कर गई है रूस में एक करोड़ सतहत्तर लाख से ज्यादा है और जर्मनी में दो करोड़ सत्रह लाख से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं और अब खेल की खबरें स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एच एस परना और पी वी सिंधु ने स्विस ओपन के फाइनल में जगह बना ली है परना ने मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में इंडोनेशिया के एंथोनी सेंसुका को गिंगटन को 21 19 19 21 21-18 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई वही गुजशत पाँच सालों में पहली बार वो फाइनल में पहुँचे हैं वहीं सबक आर्मी चैंपियन पी वी सिंधु ने खातन के सिंगल सेमीफाइनल में थाईलैंड की सुपानीडा कैथोंग को इक्कीस अठारह पंद्रह इक्कीस उन्नीस इक्कीस से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई है मर्दों के सिंगल सेमीफाइनल के दूसरे मैच में कदम्बी श्रीकांत को इंडोनेशिया के जोनाथन क्रेस्टी इक्कीस अठारह सात इक्कीस और तेरह इक्कीस से शिकस्त का सामना करना पड़ा है और बात आईपीएल की करें तो आईपीएल 2022 के दूसरे दिन ही शाइिन को डबल हेडर का मज़ा लेने का मौका मिलेगा आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा जबकि किंग्स एलेवन पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर दूसरे मुकाबले में आमने सामने होंगे दिल्ली और मुंबई के दरमियान अब तक हुए मुकाबलों को देखें तो रोहित शर्मा की टीम थोड़ी भारी पड़ती नजर आ रही है दोनों टीमों के दरमियान अब तक कुल तीस मुकाबले हुए हैं उसमें से मुंबई ने सोलह में जीत दर्ज की है जबकि चौदह मुकाबलों में दिल्ली ने बाजी मारी है नाजरिन अब पेश है दिल्ली से शायद उर्दू के अखबार का मुख्तर सा जायजा अखबारात के जायजे में आइए नाजीन सबसे पहले नजर डालते हैं रोजना राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों पर पहली अहम सुर्खी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना में छह माह की तोसी उत्तर प्रदेश में भी काबीना की पहली मीटिंग में मुफ्त राशन राशन स्कीम को मजीद तीन माह तक बढ़ाने का फैसला किया गया है आगे बढ़ते हैं रोजना राष्ट्रीय सहारा की ही एक और अहम खबर हम आपको बता देते हैं किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों को, को कोई जरी तरीका इख्तियार करना चाहिए यह कहना है मरकज़ी वजीर बरए मरकज़ी वजी ज़रात का मरकजी वजीर ने मजीद कहा है कि किसानों की आमदनी में इजाफ़ा करने वाला कोई भी ज़री तरीक़ा अपनाया जाए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की तिरानवेवीं मी जनरल मीटिंग से खिताब करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने यह बातें कही है एक और अहम खबर हम आपको दिखा देते हैं इक्कीस नए सैनिक स्कूल के क्याम को मंजूरी मिली है वजारत दिफाने एन जी ओज प्राइवेट इस्कूलों और रियासती हुकूमत के साथ शरात में इक्कीस नए सैनिक इस्कूलों के क़ियाम को मंजूरी दी है आगे बढ़ते हैं रोजना इनकलाब की बात करें तो जो अहम सुर्खियाँ इनकलाब ने शाई की है पहली सुर्खी है हुनर हाट से मतलब दस्तकारों और कारीगरों के उनतालीसवें हुनर हाट का अफ्ताह मुल्क के इकतीस रियासतों और मरकज इंतजाम इलाकों में सात सौ बीस से ज़्यादा दस्तकारों और कारीगरों के उनतालीसवें हुनर हाट के अफ्ताह के मौके पर पंजाब के गवर्नर चंडीगढ़ के एडमिन के एडमिनिस्ट्रेटर बनवारी लाल पुरोहित ने कहा है कि महात्मा गांधी ने भी दही सनतों और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को फ़रूग देने पर जोर दिया था हमारे मुल्क में हुनरमंदों और दस्तकारों की कोई कमी नहीं है और हुनर हाट के जरिए इन कारीगरों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है आगे बढ़ते हैं आलमी सफ़े की रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है यूक्रेन के रूस के दरमियान एटमी जंग का ख़तरा रूस ने एटमी आबदोजें समंदर में उतार दी और रूसी फौज के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ सरगई रोडस्कोई ने कहा है कि रूसी फौज अब मशरकी यूक्रेन के डोमबास खसे खत्ते को आज़ाद कराने पर तोज्जो देगी एक और आलमी खबर हम आपको बता देते हैं रूसी बाग़ियों का सऊदी तेल तनसीब पर हमला अमरीका का ईरान पर सहूलत कारी का इल्ज़ाम यमन में सऊदी इतिहाद के फजाई हमले आठ अफराद के हलाक होने की खबर आगे बढ़ते हैं रोजना हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अगर अहम सुर्खियों की बात करें तो एक पहली अहम सुर्खी है मुल्क से रिकॉर्ड पचास बिलियन डॉलर ज़रि बरामदात नीति आयोग के रुकन रमेश चंद्र ने कोरोना बहरान के बावजूद रवा माली साल में पहली बार मुल्क में 50 बिलियन डॉलर के जरिए बरामदात हुई है ये नीति आयोग के एक रुकन है रमेश चंद्र उन्होंने कहा एक और ख़बर सफिया की ही अहम सुर्खी है आयुष वजारत ने डब्ल्यू एच ओ गलोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्याम के लिए दस्तखत किए हैं हिंदुस्तान ने गुजरात के जामनगर में डब्ल्यू एच ओ गोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्याम के लिए आलमी इदार सेहत के साथ एक माहदा किया है और ये सेंटर वही खोला जाएगा जो आयुष वजारत के तहत चलेगा तो नाजरीन ये था दिल्ली से शायद उर्दू के अखबार का मुख्तर सा जायज़ा और आइए अब जान लेते हैं मुल्क के मौसम का क्या है मिजाज नाजिन आइए आखिर में अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र फिर से डालते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सितंबर तक रहेगी जारी वज़ीम की ज़र सदारत हुए काबीना के अजलास में फैसला अगले छः माह के लिए फ़ी शख्स पाँच किलो राशन मुफ्त दस्याब होगा अस्सी करोड़ लोग उठा सकेंगे फ़ायदा स्कीम इकतीस मार्च को हो रही थी खत्म वजे अजम नरेंद्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे ऑल इंडिया रेडियो के साथ मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्याल करेंगे शेयर ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर किया जाएगा इसे नश्र वजीर खारजा एस जयशंकर मालदीव के दो रोज़ा दौरे पर आज सदर इब्राहिम मोहम्मद साले से करेंगे मुलाकात वजी खारजा ने कहा लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए दोनों ममालिकजम बाहमी तान को मुस्कम करने के लिए कई शोबों में भारत मालदीप के दरमियान मुआहदे तय अमरीकी सदर जो बाइडन ने पोलैंड में तमाम जमहूरी ममालिक रूसी हमलों के दरमियान यूक्रेन की मदद के लिए आगे आने पर दिया जोर बाइडन की यूरोप से रूसी तोानाई पर इहिसार खत्म करने की पुरजोर अपील रूस के लिए इस जंग को एक स्ट्रेटेजिक नाकामी करार दिया भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एच एस ओपन के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में दाखिल सिंधु भी दाखिल्स के सिंगल्स के फाइनल में हुई दाखिल आईपीएल में आज खेले जाने वाले दो मैचों में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान होगा मुकाबला मुकाबला जबकि दूसरे मैच में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर होंगे आमने सामने नाजीन इसके साथ ही उर्दू खबरनामा अख्तितम को पहुंचता है फिलहाल इजाजत दीजिए आदा